Devika has a square piece of cloth of area 9 meter square. She wanted to make 16 square shaped scarves of equal size out of it. What should possibly be the length of the side of the scarf that can be made out of this piece? So let's say हमें क्या given है कि उसे 16 square shaped scarves बनाने of equal size. So सबका area क्या होगा? Same हो जाएगा. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? Let's say साइड ऑफ स्कार्फ क्या हो जाएगी, ऐसा जाएगा साइड ऑफ स्कार्फ इज इक्वल टू, साइड ऑफ स्कार्फ इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू लेट्स से एक्स सेंटीमीटर. ओके नाउ अब एरिया ऑफ स्कार्फ कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्कार्फ इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्कार्फ. हमें पता है किसी भी जो स्क्वायर होता है, हमें गिवन है स्क्वायर साइज स्कार्फ्स है, तो क्या जाएगा साइड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. तो इट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड क्या है एक्स सेंटीमीटर, तो क्या जाएगा एक्स का स्क्वायर. सो दिस इज एक्स स्क्वायर. ठीक है अब अगर हम यहां से देखेंगे, ठीक है हमें गिवन है कि हमें क्या करना है, हमारे पास में 9 मीटर स्क्वायर क्लॉथ है जिसे हमें 16 स्क्वायर शेप्ड स्कार्फ बनाने, तो एरिया ऑफ 16 स्कार्फ क्या हो जाएगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ 16 स्कार्फ इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर. ठीक है अब जैसे यहाँ पे यूनिट 9 मीटर है, हमने यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, तो इसे भी हम क्या कर देते हैं 9 मीटर में ही चेंज कर लेते हैं, तो क्या जाएगा एक्स मीटर हो जाएगा, ये क्या जाएगा एरिया एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है नाउ अब 9 मीटर स्क्वायर टोटल है, अब एक स्कार्फ का एरिया है एक्स स्क्वायर, तो 16 स्कार्फ का कितना हो जाएगा 16 इंटू एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक एक्स स्क्वायर है इट इज इक्वल टू 9. तो यहाँ से अगर हम 16 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 16 हो जाएगा. अब एक्स स्क्वायर 9 बाय 16 है, तो अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाय 16. अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो ये लिखा हुआ है 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी 3 बाय 4. तो x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से x इज इक्वल टू 3 बाय 4 मीटर. तो हमारे पास में क्या पूछा है हमसे, सो व्हाट शुड पॉसिबली द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्कार्फ दैट कैन बी मेड आउट ऑफ दिस पीस, तो क्या हो जाएगी, तो साइड ऑफ स्कार्फ इज इक्वल टू, साइड ऑफ स्कार्फ इज इक्वल टू, साइड ऑफ स्कार्फ इज इक्वल टू 3 बाय 4 मीटर. This is the answer for this question, 3 by 4 meter.